Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, we were doing exercise 2.1 and we have already solved up to question number 4. From today we are going to start question number 5. Question number 5 is really easy. Really easy. बहुत ज़्यादा ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ write the successor. आपको सिर्फ successor लिखना है और आपको parts दे रखे हैं. Let me show you. क्या कह रहे हैं, राइट द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर निकालना है आपको और ये आपको तीन पार्ट्स दे रखे हैं. तो मैं बस एक ही पार्ट आपको बताऊंगी, बाकी मैं क्वेश्चन राउंड्स में जो आप लोगों से ग्रुप में पूछती हूँ मैं वो पूछूंगी, ठीक है. सो बेसिकली सक्सेसर में हम क्या करते हैं, प्लस वन. प्रेडिसेसर में हम क्या करते हैं, माइनस वन. ये सबको क्लियर होगा लेकिन फिर भी एक बार बता दिया मैंने, तो थोड़ी सी लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं. सक्सेसर ऑफ 2, 3, 5, 6, 7, 9, ठीक है, 2,35,679 is. अब इसका सक्सेसर क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं इसमें ऐड. इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 9 + 1 कितना हुआ, 10. 1 कैरी है, 7 + 1 क्या हो गया, 8. बाकी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी. 2,35,680 अगर ऐसे क्लियर ना हो तो ये भी देख लीजिए, 79 है लास्ट में, 79 के बाद क्या आएगा, 80, ठीक है. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट. क्वेश्चन बी पार्ट, सी पार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है सक्सेसर निकालना बहुत ईजी होता है. जैसे मैं कहूँ 3 का सक्सेसर क्या हुआ, 4. 10 का सक्सेसर क्या हुआ, 11. जस्ट उसके बाद आने वाली वैल्यू, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है उसमें, प्लस 1. ओके, एक बात और मैं क्लियर करूं कि आपके पार्ट्स अगर मैं रिड्यूस कर रही हूं तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो करने ही नहीं है या आपको वो आने नहीं चाहिए. वो बिल्कुल आने चाहिए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वीडियोस ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं पार्ट्स रिड्यूस कर रही हूं. बट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो कोई भी पार्ट हो आप कर लेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट प्रेडिसेसर. क्या निकालना है आपको, प्रेडिसेसर निकालना है. तो क्या लिखेंगे आप, प्रेडिसेसर ऑफ 5,67,000 is. और कैसे निकलेगा कि 5,67,000 में से हम क्या करेंगे, एक माइनस, ठीक है. अब अगर ये चीज़ आपको ऐसे क्लियर नहीं है तो अपना साइड में रफ पोर्शन बनाइए और वहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस 1. इज इट क्लियर इन द वीडियो, ओके, नाउ इट इज़ विजिबल. अब हमें क्या करना है, माइनस करना है. 10 - 1 is 9. यहाँ पे हमारे पास 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई, 6, ये भी 6, ये 5. बहुत इजी है, मैं अब सब्ट्रैक्शन वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये तो आप सबको आते ही होगा, यू आर इन 6th स्टैंडर्ड. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5,66,999. बेसिकली क्या आ गया, 5,66,999. एंड दिस द आंसर. बी और सी पार्ट में क्वेश्चन अराउंड में पूछूंगी तो एक बार देख के रखिएगा, ओके. ओके, सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. अगर इसमें जैसे आपको नंबर लाइन दे रखी है, नंबर लाइन में बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 में से कौन सा लेफ्ट पर होगा, कौन सा राइट पर होगा, मींस 2 और 3 के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो विच वन विल बी ऑन लेफ्ट साइड, ये हमें पता करना है. तो ये तो अभी अगर हम नंबर लाइन बना लें तो हम देख लिया कि 2 हमारा कहाँ है, लेफ्ट साइड पर है, 3 हमारा कहाँ है, राइट साइड पे. 2 लेफ्ट में हो गया, 3 राइट पर हो गया. लेकिन विदाउट ड्राइंग द नंबर लाइन हम कैसे पता करें, बिना नंबर लाइन बनाए. तो जो भी नंबर्स के बीच में आपसे पूछा जाए तो आप उनमें से सबसे पहले ये पता करें छोटा कौन सा है. जैसे 2 और 3 के बीच में पूछा जा रहा था तो 2 is smaller than 3, तो जो छोटा होगा वही नंबर कहाँ होगा, लेफ्ट पर. अगर राइट पूछा जाए तो जो नंबर बड़ा होगा वो कहाँ होगा, राइट साइड पर. ऑब्वियसली है यहाँ पे अगर आप दिख रहा है कि जो नंबर छोटे हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं, जो बड़े हैं वो राइट साइड पर हैं. कोई भी ले लें, अगर मैं 4 और 5 की बात करूँ तो 4 हो गया लेफ्ट पर, 5 हो गया राइट पर. तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना देखना है कि लेफ्ट पूछ रहे हैं या राइट पूछ रहे हैं. अगर लेफ्ट पूछ रहे हैं तो जो छोटा होगा वो लेफ्ट पर होगा, अगर राइट पूछ रहे हैं तो जो बड़ा होगा वो राइट पर होगा. ओके ओके, लेट मी शो यू द प्रॉपर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर. दोनों नंबर के बीच में कौन सा लेफ्ट पर है नंबर लाइन पे, राइट देम विद अप्रोप्रिएट साइन. और हमें लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल भी यूज़ करना है.
तो पहला पार्ट है हमारे पास 387 एंड 378, और हमें पता करना है कौन सा लेफ्ट पर होगा। सो दिस वाज अ पार्ट, फर्स्ट पार्ट। तो मैंने कहा सबसे पहले हम ये पता करेंगे दोनों में से छोटा कौन सा है, 387 और 378। ऑब्वियसली 378 इज़ लेस देन 387। 378 क्या हो गया, छोटा हो गया 387 से। तो जो छोटा होगा वही का होगा लेफ्ट पर। तो 378 इज ऑन द लेफ्ट। अब आगे भी यूज़ कर सकते हैं आप नंबर 387, 387 के लेफ्ट पर है। तो इतना ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहती लैंग्वेज को, बस आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। ओके, बी पार्ट नहीं ले रहे हम, सी पार्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़े नंबर ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, मैं बार बार बता रही हूँ, सारे पार्ट्स करना ज़रूरी नहीं है एज़ वी हैव लिमिटेड टाइम और हमारे पास वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। तो 3456 ये एक नंबर हो गया, सेमीकोलन आ गया, मीन्स अब दूसरा नंबर स्टार्ट हो रहा है 6543। मुझे पता करना है लेफ्ट पर कौन सा होगा, लेफ्ट के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि छोटा कौन सा है। तो दिख रहा है ये 6000 है, ये 3000 है, तो 3000 वाला क्या हो गया स्मॉल, इज लेस देन 6543। तो कौन सा लेफ्ट पर हो गया, यही वाला जो छोटा है वही क्या हो गया लेफ्ट पर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर एट करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। अब हमें नंबर लाइन के थ्रू एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं बता दूं, जब कभी भी सिंबल आपको मिले प्लस तो आप जाएंगे नंबर लाइन के राइट डायरेक्शन में, जब कभी भी मिले आपको माइनस तो आप कहाँ जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। बस आपको ये याद रखना और ये अपनी कॉपी में ऊपर टॉप पर ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए, अब मैं एक पार्ट इसमें दे रखा है कि आपको ऐड करना है 5 और 6 को। क्या कह रहे हैं, यू हैव टू ऐड 5 प्लस 6। तो पहले आपको जो दो नंबर, जो नंबर पहले दे रखा है, हम कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, ठीक है। हमें पहले दे रखा है 5, ओके। तो ये नंबर लाइन मैंने बना ली है। अंदाजन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे कि 5 प्लस 6 11 हो रहा है, तो 5 और 11 तो हमें चाहिए ही नंबर लाइन में, ठीक है। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप अपना। अब देखिए, पहले क्या दे रखा है हमें 5, हम स्टार्ट हमेशा हम कहाँ से करेंगे, 0 से। 0 से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले 5 पर। आगे 5 पर, यानी ये वाली वैल्यू तो हो गई। अब आगे दे रखा है प्लस का सिंबल, तो मैंने बताया प्लस के लिए हम कहाँ जाएंगे, राइट। ये हमारी राइट डायरेक्शन है, ये हमारी लेफ्ट डायरेक्शन है। तो जब हमें प्लस के लिए राइट जाना है, ये तो पता चल गया डायरेक्शन कौन सा लेना है। अब हम कितना आगे जाएं, क्या रखा है 6, यानी 6 टाइम्स हमें आगे बढ़ना है। 1, अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम 5 से कहाँ आ गए, 6 स्टेप्स आ गए, और हमें क्या मिल गया, 11। और 11 को आप क्या कर देंगे, सर्किल। 5 प्लस 6 कितना होता है, 11। क्लियर है सबको, बस इतना ही याद रखना है, प्लस है तो राइट जाएंगे, माइनस है तो लेफ्ट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9। मैंने एज इट इज़ उतारा है, क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम के बाद वाला क्या आता है, पहले। तो इसको आप कैसे रिड्यूस, कैसे लिखेंगे, 9 माइनस 5, 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 5 को। तो चलिए, पहले हम बना लेते हैं नंबर लाइन। ये बन गई हमारी नंबर लाइन, ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, ये हमारा राइट डायरेक्शन हो गया। अब हमें सबसे पहले दे रखा है हमें कहाँ जाना है, 9 तक जाना है। तो 0 से ही स्टार्ट करते हैं, और हम कहाँ पहुँच गए, 9 पर। अब 0 का किस्सा ख़त्म, कहाँ पे पहुँच गए हम, 9 तक पहुँच गए। अब यहाँ पे है माइनस, माइनस के लिए हम कहाँ जाते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी यहाँ से हमें और आगे नहीं पीछे जाना पड़ेगा अब, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन तो इधर है। कितना पीछे जाएँ हम, 5। यहाँ से, यहाँ पर तो हम हैं ही, तो यहाँ से काउंट करेंगे, कभी इस वाले को काउंट नहीं करेंगे जहाँ पहुँचे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहीं से ही हम कहाँ आ जाएंगे, 4 पर, और 4 को क्या कर देंगे, सर्किल। 9 माइनस 5 क्या होता है, 4, 4 आंसर आ गया, करेक्ट। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।